वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आज वीकेंड है तो हमने सोचा कि आपके लिए एक बड़ी जबरदस्ती जो आखिरी सेगमेंट है उसमें अच्छा जो एक म्यूजिक है आपके लिए लाया जाए। और अच्छे म्यूजिक के लिए आज हमें जिन लेजेंड ने ज्वाइन किया है, लिविंग लेजेंड है हमारे साथ शौकत अली साहब, बहुत जाने माने सिंगर हैं। वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपका बहुत शुक्रिया, आपने याद कर लिया। आप सुबह सुबह उठकर आए, ये बड़ा सुबह सुबह तो ऐसा है कि वो जो मेरे भाई हैं जनाब बुखारी साहब, उनका हुक्म कभी मैंने टाला नहीं। मैं तो रोजियां चीज मुश्किल ना उठी जाए तो आज तो मुझे बहुत जल्दी सर जो इनको लेकर आए। फिर आपने याद किया था इस शो के लिए, आपके इस प्रोग्राम के लिए, तो जागना मेरे लिए बायस है। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का, मेरी इज्जत है। इट्स एन ऑनर। और ताहिर बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, वेलकम टू द शो। ताहिर बुखारी साहब, शौकत अली साहब की तरफ जाने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि हमारे देखने वालों को इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया जाए, ताकि उसके बाद, वैसे तो सब लोग जानते हैं लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कशन का आगाज यहाँ से करेंगे। शौकत अली साहब इतने बड़े फनकार हैं, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मैं इनके लिए क्या बयान करूँ। तो इनकी फ़न के लिए जो खिदमात हैं वो काबिल तहसीन हैं। शौकत अली साहब ने पाकिस्तान में तो अपने फ़न का मुजाहरा किया, लेकिन इन्होंने दुनिया के कोने कोने में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और लोक मौसीकी की पहचान करवाई। शौकत अली साहब वो फ़नकार हैं जो अवायल में जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बैरून मुल्क सकाफ़ती तायफ़ों का सिलसिला शुरू किया, तो पहले ये फ़नकार थे, पहले तायफ़े में गए, और बल्कि ये उनके बड़े लाडले थे भुट्टो साहब के फ़नकारों में। और ये इनकी ड्यूटी भी होती थी कि आपने फ़नकारों को इकट्ठे करना है और इनका तायफ़ा बनाना है, इस मुल्क जाना है, इस मुल्क जाना है। तो मतलब बहुत लंबी हो जाएगी उस वक्त के मुताबिक। तो फिर इनकी जो सबसे जो आला मुल्क के लिए खिदमात हैं कि इन्होंने तराने गाए, ना सिर्फ तराने गाए, सन 1965 की जंग में आगे अगले मोर्चों पे जाके हमारे फौजी जवानों के हौसले बढ़ाने के लिए उन्होंने वहां जाके गाए। साहब इसी हवाले से इसी बात को मैं आपसे लिंक करूंगी। बड़ी मेहरबानी बुखारी साहब। असल में ये था कि मैं इतने मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी कि मुझे एक प्रोग्राम में प्रेसिडेंट अयूब खान साहब ने सुना, क्योंकि हम एयरफोर्स, नेवी और जितने भी फोर्सेस थी वहाँ जाके सेक्टर्स पे काम करते थे, प्रोग्राम करते थे, उसमें सारे आर्टिस्ट थे। तो मुझे जनरल साहब ने पूछा, वो अपने अंदाज में ना, अपनी हैतनी आवाज़ कितों कर दो तो मैंने कहा जनाब ये उस पाक जात का एहसान है जिसने ये आवाज़ दी है, और मेरी आवाज़ तो है ही ज़मीन के लिए। मैं कहता हूँ मैं सारी ज़िंदगी इस मुल्क के लिए गाता मरूँ, और अल्लाह की ये करमनवाजी है कि मेरे बेटे, बड़ा बेटा अली इमरान है और मेरा बेटा अली अमीर है, और छोटा बेटा जो इस वक्त कनाडा में है वो शेर बेटा है मेरा मोहसिन। अच्छा। वो ये सारे कौमी नगमे गाते हैं। लवली लवली लवली। अच्छा हम लोक मौसीकी की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि वक्त के साथ साथ इसमें बहुत सारे लोग उसको लेकर चले भी, क्या फ़र्क आया अब तक? ये लोकगीत जो है ये चेंज नहीं होगा। आप देख लें कि कभी शलवार, कभी कमीज लंबी, कभी छोटी, इसमें लोकगीतों में ये सच्चाई है। ये हमारे बाप दादा और बुज़ुर्गों का कहना है। अब मुझे याद है कि मुझे हमारे दोस्त हैं सूफी मुश्ताक, तो उन्होंने कहा यार कोई ऐसा गाना गा जरा कि पुराना गाना हो। मुझे याद है कि मेरी वालदा ने एक दफ़ा कहा था, मैंने कहा जी ये जग्गा ये क्या है, तो दो बोल उनसे सुने, तो मैंने गाया जग्गा मारिया मोड़ दी छावे तनो मन रेत भिज गई जगिया जगिया तुर परदेस गया बुआ मखिया। सारी जिंदगी चलेगा चलेगा वो। एक अल्लाह का शुक्र है कि मैं इंडिया में गा रहा था, तो वो कहते यार ऐसे थे लोगों ने जगियां गाइया ने, पहला बंदा है जो जगह गा रहा तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। और जितने भी लोक गीत हैं मैंने 95% गीत अपने खुद लिखे, क्योंकि इतने लोक गीत नहीं हैं। आपने लिखा वो लोक गीत तो नहीं है जी, बुखारी साहब ने गीत लिख के दिया मुझे, अब मैं कहूँ जी
ये बुखारी साहब ने एक गीत लिखा है, ये लोक गीत आपको सुनाता हूँ। नहीं नहीं, वो लोक गीत नहीं है, वो अल्लाह उनको सलामत रखे, ये तो शायर का गीत है। तो लोगों के गीत गाते हैं लोग तो लोक गीत कहते हैं, नहीं गीत तो वही था। मामा ते तिया रल बैठे आने माए कोई जर दिया देना दिया निकल कान सरिया तिया क्यों जमी आने माए। मैंने एक गीत लिखा बुखारी साहब और उसकी धुन बनाई और वो इतना चला कि वो आज तक चल रहा है। और ऐसे कर्मा वाले ने ना नहीं लेंदे कि किधर लिखे है कौन गा रहा है। हो औखे वक्त में हाँ दे औखे वक्त में हाँ दे ओ सुख दिया गाते हैं झूठे दुखद बिया दे कदी ते हस बोलगे नजद सद रोलगे कदी ते हस बोलगे नजद सद रोलगे अच्छे अच्छे कर आवे आए मुक गने सावे दिल गे डोलवे नजद सद रोलवे। अब ये लोगी तो नहीं, ये जो मेरी कंपोजिशन है मेरा लिखा हुआ है। वाह, मेरी दो किताबें हैं। जरूर जरूर। ये हंजुआ दे आलन है, मैंने बुखारी साहब को पेश की थी जब ये रिलीज हुई थी, और हंजुआ दे आलन है, और ये पखेरू 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 ये बच्चों के लिए पंजाबी गीत लिखे हैं, ये सुहेल अशर साहब ने छपवाई है जी, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। वो पंजाबी, वो कहते हैं यार बच्चों को पंजाबी शुरू करवा दो ताकि वो पंजाबी लिखें गाएं ताकि हम लोग समझ जाएं। तो लोकगीत पुराना नहीं होता जी। सही, अल्लाह का बड़ा कर। लेकिन लोग मौसीकी पे आजकल जो जवाल है एक अरसे से, तो उसकी क्या वजह आप समझते हैं? सरकार ये फैशन बन गया है कि लोकगीत के नाम पे वो जो मर्जी करें। अब सच्ची बात है कि लोकगीतों में गिटार का और इनका दखल नहीं होता। लोकगीत तो अपने लिबास से पहचाना जाता है, मुरली ढोलक और ये वो, उसकी सिंपल सिटी। तो जो कमर्शियलिज्म का एक फैक्टर आ गया उसकी वजह से इसकी असल रूह एग्जैक्टली तो कमर्शियलिज्म की वजह से ना जी इसकी शक्लें खराब हो गई हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप इंडिया भी गए, आपने वहां पर भी कहा, वहां पर लोक मौसीकी के हवाले से किस तरह का रुझान देखने में आया आपको, जो पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा था कम था, किस तरह का था? नहीं, वो हमें कॉपी करते हैं। वो सारा गाना पाकिस्तान का जितना भी है वो सारा ले जाते हैं, वो सब कॉपी करते हैं। मेरे सैकड़ों गीत हैं जो गाते हैं, कोई मना नहीं करना, बिकॉज वी हैव नो कॉपीराइट्स जी। तो ये अल्लाह का करम है कि मैं कहाँ, छल्ला एक गीत है वो मेरे भाई साहब का इनायत सली और मेरा लिखा हुआ है, उसकी धुन है, वो सारा दुनिया गाती है। वहाँ पे एक साहब हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको जनाब अवार्ड मिल रहा है, मुरब्बे मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। मैं कहो सानू भी तो पूछो, जड़े असली लोग हैं उन्होंने ख्याल ही नहीं कर रहे। उसी मोड़ लिया नी मेरे नाल गया लड़के, अल्लाह करे आ जावे जो सुन दिया जान के दुआ तर के वो छला बेरी बूरे छला बेरी बूरे वतन पैदा
दूरे जाना पहले पूरे गल सुन चलिया छोरा दिल लाया ओ झल्ला नौ थे वे ओ झल्ला नौ थे वे झल्ला नौ थे वे झल्ला नौ थे वे पुत्र मिठे मेवे ला सब देवे झल्ला चीची पाया वे तिया तन जे पराया ये पूरा नहीं हो सकता जबरदस्त। कॉपी राइट्स का रुझान इसकी वजह से भी बहुत सारे फनकार हैं, कुछ नाराज भी होते हैं। आपके साथ भी यही रहा कि आपके जो बनाए हुए या लिखे हुए गाने थे उनको कॉपी राइट्स का हमेशा से करते हैं जी? कॉपी तो बहुत ज्यादा करते हैं। कॉपी अच्छे गाने बजाने वालों की औलाद वो मेरे गाने गा गा के तो बादशाह है, कोई मेहरबानी नहीं करता कि यार इसका लिहाज ही कर जो चाचा साडा। तो बाहर अल्लाह ताला उनको खुश रखे। मुझे अभी आप हमें कुछ सुनाने वाले थे, आप ब्रेक में पहले थे, आपने कोई गाना मुझे एक गीत मैंने गाया था। आपको होश नहीं होगी, आप पता नहीं होंगे दुनिया में ये एडा रूप दान करना गुमान चाहिदा टूटे दिलां उत्ते करना एहसान चाहिदा ओए सोने रूप दान लुकिया गुरूर मेरे कोलों दस दे होया कि कसूर मेरे कोलों ओ क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों मैनू दस दे कसूर मेरे कोलों। एक प्रोग्राम में इमरान गा रहा था तो उसके लिए मैंने एक नया शेर कहा नमे यारा ते कदी ना इतबार करिए मर जाइए जिथे एक बारे प्यार करिए वैसे आ जांदा नहीं जुदाइयां दा तंदूर मेरे कोलों दस दे कि कसूर मेरे कोलों ओ क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों दस दे कि कसूर मेरे कोलों हाय मैनू दस दे कि कसूर मेरे कोलों। इस तरह हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब का जो कलाम वो राग पहाड़ी में पढ़ा जाता है और वो सरकार हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब के कलाम की वजह से अल्लाह ताला ने मुझ पर मेहरबानी की तो मेरा नाम शौकत से शौकत अली हो गया। यह सब मियां मोहम्मद साहब सरकार का सदका है और उनके कलाम का सदका है। तो इसको पहाड़ी में पढ़ा जाता था, मुझसे पहले जो सीनियर आर्टिस्ट थे वो उस पहाड़ी मैंने इसको भैरवी में पढ़ा। अच्छा। मैंने इसको भैरवी में पढ़ा पहली मरतबा 1965 में। मैंने सुरमंडल लेके मुझे याद है म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गाया दुश्मन मरे ते खुश ना करिए सजना भी मर जाना वाह दीगर ते दिन हो या मुहम्मद ते ओड़क नूं डूब जाना। सरकार मियां मोहम्मद साहब फरमांदे जी लखा बेर बेरी नू लगदे लखा बेर बेरी नू लगदे चढ़ जांदे ने कच्चे ते जेले पक्के
ਕਣ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਓਹੀ ਖਾਂਦੇ ਵੱਟੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਵੇ ਸੰਭਾਲਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਮਣਵਾਲੇ ਬੋਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਨਾ ਸਭ ਕਰ ਲਈ ਮਿੱਠੀ ਖੀਰ ਪਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤਰ ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਨਾਬ ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਟਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟਾਣੇ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਆਪਕੇ ਆਨੇ ਕਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲਾ ਆਪ ਆਏ ਔਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫੋਰ ਕਮਿੰਗ ਆਪਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਰਸਨ ਹੂ ਲੈਫਟ ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੋ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਗਮਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੁਝੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇਗਾ ਵੋ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੋ ਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਸੇ ਹਮਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਮੰਡੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਸ਼ਾਕਿਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ ਸਾਥੀਓ ਮੁਜਾਹਿਦੋ ਜਾਗ ਉਠਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵਤਨ ਸਾਥੀਓ ਸਾਥੀਓ ਮੁਜਾਹਿਦੋ ਜਾਗ ਉਠਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵਤਨ ਸਾਥੀਓ ਸਾਥੀਓ ਮੁਜਾਹਿਦੋ ਆਜ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸੇ ਟਕਰਾਏਂਗੇ ਤਾਕਤ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੇ ਮਨਵਾਏਂਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੁਦਾਓ ਪੇ ਛਾ ਜਾਏਂਗੇ ਸਾਥ ਹੈ ਮਰਦੋ ਜ਼ਨ ਸਰ ਸੇ ਬਾਂਧੇ ਕਫਨ ਸਾਥੀਓ ਮੁਜਾਹਿਦੋ ਜਾਗ ਉਠਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵਤਨ ਸਾਥੀਓ ਸਾਥੀਓ ਮੁਜਾਹਿਦੋ